सभी पशु प्रेमी भाइयों को सुरेंद्र सिंह की तरफ से नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागू डायरी फार्म पर। दोस्तों आज हम आपको दो भैंस दिखाएंगे, सेल के लिए उपलब्ध है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए वीडियो में और पूरे रेट की और सारी जानकारी इन भैंसों के बारे में आपको देंगे। आप अंत तक वीडियो को देखिए, और कई भाई वीडियो थोड़ी सी देखते ही फोन कर लेते हैं, तो आप पूरी वीडियो देखिए, सारी जानकारी भैंसों के बारे में आपको देंगे। दो भैंसे हैं, गाभिन भैंसे हैं और रिजनेबल रेटों की है। आप जो भाई लेने का इच्छुक हो हमसे आगे संपर्क कर सकता है। तो सबसे पहले मैं अपना आपको एड्रेस बता देता हूँ। हमारा गांव बिठमड़ा है, डिस्ट्रिक्ट हिसार है, तहसील लुकलाना मंडी और नरवाना बरवाला टोहाना से लगभग 20-20 किलोमीटर के समथिंग की दूरी पे हमारा गांव है। हरियाणा के अंतर्गत आता है, हिसार से और फतेहबाद से 50 किलोमीटर दूर है। और ये पहले नंबर की भैंस आपको दिखाता हूँ मैं, ये पहले नंबर की है वो, और वो दूसरे नंबर की भैंस आपको मैं बता देता हूँ इसके बारे में जानकारी। ये अभी लगभग 4.5 महीने से ऊपर गाभिन है और 5 महीने से थोड़ी सी कम है, दूध से ड्राई है। इसका एक ये जो आपको दिखाई भी पड़ रहा, कान थोड़ा सा फटा हुआ है उस साइड से, इसके कान में टैग था वो कई झाड़ियों में फंस गया था, वो इस कारण से कान फट गया था। कई दिनों की बात, अब तो बिल्कुल ठीक है कान। और हाइट की ठीक है, जोटी हाइट लेंथ की काफ़ी अच्छी है। खून थोड़ा सा कम है, यानी थोड़ी सी चर्बी ज़्यादा नहीं है शरीर के ऊपर, और हाइट वगैरह काफ़ी अच्छी है। जोटी की दूध से बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, कारण ये रहा इसका ड्राई होने का, जिस फार्मर से ली है, एक तो उनके पास पशु ज़्यादा थे और एक जो बरसम अभी ख़त्म हो गई थी, कहते बरसम जब चल रही थी तो हरा चारा पशुओं को मिलता था तो दूध देती थी, उसके ख़त्म होते ही जोटी दूध से हट गई और ज़्यादा पशुओं में कम केयर थी, इस करके इसमें खून थोड़ा सा कम आपको दिखाई दे रहा है। और वैसे हाइट वजन की काफ़ी अच्छी जोटी है, और स्वभाव की एक पशु का स्वभाव हम देखते तो स्वभाव की बहुत ज़्यादा ठंडी जोटी है। कहीं बांध दो, कैसा ही इसको डाल दो, बहुत शरीफ जोटी है। और ये उनके हिसाब से तो अभी आगे दूसरी बार ही ब्याएगी, बोले कह रहे थे भाई बड़ी होके ब्याई थी पहले ब्यांत में, और लगभग 10-11 किलो दूध उन्होंने बताया था भाई दिया था इसने। और थनों की बनावट आप देखिए कैसी है जोटी की, लगभग अभी इसको ड्राई हुई को 20-22 दिन हो गए हैं। और पीछे से भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल खाली हो चुके थन, अभी रिंकल्स जो सड़ है वही लटक रहे हैं। और वैसे हाइट है ठीक है जोटी की, मतलब जैसे इसकी क्वालिटी उसी हिसाब से इसका रेट है भाई, ये नहीं है मैं कह दूं आपको शो क्वालिटी की है ये, ठीक है ठीक है। जोटी घर पालने लायक हैं, कई भाई जो कड़ियाँ लेते हैं हाई रेटों में, और उनसे तो रिक्वेस्ट है, मैं ये नहीं कहता आप मेरे से खरीदो, आप ड्राई भैंस से लेके अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ड्राई या कम रेटों की भैंस, उन पे अच्छे बुलों का सिमन का चयन करके देखिए, भैंस काफ़ी अच्छी है। वैसे बस खून की थोड़ी सी कमी है और उसी हिसाब से इसका रेट भी ठीक है, जैसे इसकी क्वालिटी है उसी हिसाब से भैंस का बिल्कुल चेक पास है। गाभिन ये नहीं है भाई, जो भाई लेगा उस चेक करवा के बिल्कुल तसल्ली से देंगे, अगर गाभिन है तो उनकी, खाली है हमारी, ठीक है। और ये सारी भी जो भी है पशु दिखा रहा हूँ मैं आपको, सारी बनावट इसकी थनों वगैरह की, क्योंकि कई भाई फोन पे ही मंगा लेते हैं, ठीक है, और विश्वास के ऊपर मंगाते हैं, तो हमारी जिम्मेवारी आके देखने से ज़्यादा बढ़ जाती है। बंदा जब फोन पे पशु मंगाता है तो उसको मतलब अपनी ही जिम्मेवारी के ऊपर पशु भेजना बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, पशु का एक भी कमी जो बात है सारी बताते हैं। और जो ये भैंस है दूसरे नंबर की, ये अभी लगभग 30 तारीख को 8 महीने की गाभिन हो जाएगी, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की जोटी है ये भी। पहले ब्यांत में इसने जिस भाई से हमने ली, उन्होंने बताया भाई लगभग 14 किलो के समथिंग इसने दूध दिया था, और छोटे सींग की जोटी है, बिल्कुल सुंदर है और पतली चमड़ी की है, बिल्कुल पतली चमड़ी की, फेस की बनावट काफ़ी अच्छी है और बिल्कुल ब्लैक जेड है जोटी, पूंछ में एक भी बाल सफ़ेद नहीं है। और जो हाइट है इसकी वो मीडियम है, लेकिन पीठ की बनावट है काफ़ी अच्छी है, और जो नीचे की बनावट है आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको थोड़ी सी दूध निकालने वाली साइड इसकी हल्की लग रही है, कारण ये है जब हमने दूध से इसको छोड़ा तो 3-4 दिन के बाद फिर से दूध थनों में आ गया था, तो उस साइड
हमने निकालने के बजाय इसका कटड़ा भी इसके साथ में वो छोड़ दिया था, तो इस भैंस ने हटा दिया उस साइड का, तो दूध कटड़ा पी गया और उस साइड इसने लगने नहीं दिया, इस करके थोड़ी सी आपको हल्की लग रही है एक साइड से, और उस कारण से जो इस साइड वाली चमड़ी है अडर की, मतलब रिंकल्स है, वो लटक गए। ठीक है, आगे मैं वो फोटो भी दिखा दूंगा आपको पहले की भैंस की, और देखिए, और स्वभाव की ये भी बहुत ठंडी है, जो टी काफी अच्छी क्वालिटी की है ये भी, और साथ में इसके कटड़ा भी है HLDB के बुल का, PC 2022 का, कान में आप देख सकते हैं जो टी के टैगिंग है, और 30 तारीख को 8 महीने की ज्ञापन हो जाएगी, चेक पास है बिल्कुल, और दूध से हमने छोड़ दी ये कटड़ा, साथ में इसके HLDB के बुल PC 2022 का, काफी अच्छा कटड़ा ये भी, फेस बहुत बढ़िया कटड़े का, सींग इसके भी काफी अच्छे बनेंगे, और पूंछ इसकी भी बिल्कुल ब्लैक है, और साथ में देने का ये कारण है, मैं आपको बता देता हूँ क्यों दे रहा हूँ, नहीं तो मैं से दूध से हटते ही बच्चे को टाल दिया जाता है, तो कारण ये रहा है क्योंकि इसके बिना भैंस का मन नहीं लगता, नहीं तो एक भाई इसको ले भी रहा था मेरे से, मांग रहा था, मैं ये तो नहीं कहता, मेरे से 1.5 लाख का मांग रहा था, इसके मेरे को 12,000 रुपये वो दे रहा था, कोई उसका मित्र फार्म वगैरह के लिए उनको चाहिए था, बोले आगे तैयार कर लेंगे, मैंने मना कर दिया, भाई भैंस इसके बिना भैंस का मन नहीं लगता बिल्कुल भी, इससे दूर नहीं होती। ठीक है, और जो इस ये भैंस है 8 महीने वाली गाभिन, इस भैंस का रेट 72,000 रुपये है, और एक नंबर वाली रेट है जो वो 44,000 रुपये है, जो भाई लेने।